Hello everyone, we are the team of Monica's Nursing Academy. So today we will continue with our previous topic, nutritional program. So we have already discussed about vitamin E prophylaxis program in previous class. Today we will discuss about National Nutritional Prophylaxis Program. Ye program kab launch hua? So this program was launched in 1970 by Government of India during 5-year plan. इस प्रोग्राम में हम जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं या जितनी भी यंग चिल्ड्रन हैं उन्हें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी की HP परसेंटेज का एस्टिमेशन लगाना है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिनका HP लेवल इज लेस देन 10 ग्राम उन्हें हम एंटी एनीमिया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और जिनका HP 10 ग्राम से ज्यादा है उन्हें हम प्रोफिलिक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ मदर को एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट इज कि हम इसमें क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि वो आयरन रिच फूड कंज्यूम करें, आयरन फॉलेट सप्लीमेंट्स हम सभी को सप्लाई करते हैं, और जितने भी सीवियरली अनिमिक केसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं एज वेल एज साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिकमेंडेड डेली डोजेस आयरन और फॉलिक एसिड की कितनी है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट चिल्ड्रंस, जो भी 1 से 5 साल के बच्चे आते हैं ये बच्चों को हम सिरप के रूप में ये आयरन फॉलिक एसिड्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होती है एंड 0.1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड प्रेजेंट होती है, जो हम 100 डेज के लिए देते हैं, और ये बाई वीकली दी जाती है। बाई वीकली देते हैं, 1 ml हम इसमें प्रोवाइड करवाते हैं एक टाइम पे, हफ्ते के 2 बार ही देंगे और एक टाइम पे 1 ml प्रोवाइड करवाते हैं। इसका अगर कलर कोडिंग की बात करें तो इसका कलर कोडिंग में हम बोलेंगे नन, ये किसी भी कलर कोडिंग में नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्कूल चिल्ड्रंस, जो कि 6 to 10 years के बीच में आते हैं। इन्हें हम 30 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 2.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जो अब चेंज होकर, पहले इस प्रोग्राम में इतना प्रोवाइड करवाते, रिसेंटली इसमें चेंज होकर इन्हें हम वीकली 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें 45 मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट होती है एंड 400 माइक्रोग्राम बोल लो आप या 0.4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की बात करो, और ये आपका आता है पिंक कलर में। इसकी कलर कोडिंग अगर बच्चों की बात करें कि किस कलर में आता है, तो दिस बेसिकली कम्स अंडर पिंक कलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स की, या जितनी भी वुमेन्स आपकी रिप्रोडक्टिव एज में आती हैं, ठीक है, गर्ल्स एडोलेसेंट गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं, और वुमेन्स जो भी रिप्रोडक्टिव एज के, मतलब 15 से 45 साल की जो फीमेल्स आती हैं। तो पहले हम बच्चों की बात कर लेते हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज की। इन्हें हम 60 मिलीग्राम आयरन, ठीक है, वीकली 1 फॉलिक एसिड टैबलेट प्रोवाइड करवानी है इनको भी, ठीक है, एंड 500 माइक्रोग्राम बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड 100 डेज के लिए सप्लाई करते हैं, और ये आता है ब्लू कलर में। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो मेडिसिन है ये ब्लू कलर में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स की, तो इनको सेम आयरन कॉम्पोजिशन रहेगी, दैट इज 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड, और इसकी कलर कोडिंग रहती है रेड कलर। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स की फीमेल्स हैं उन्हें हम रेड कलर की बॉक्स में ये प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स जितनी भी हैं या लैक्टेटिंग मदर, उन्हें हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से ये फॉलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और 180 डेज के लिए कम से कम हमने आयरन फॉलिक एसिड प्रोवाइड करवानी, जिसमें 60 मिलीग्राम आयरन है, एलिमेंटल आयरन है, एंड 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड डेली उन्हें दिया जाता है अप टू 180 डेज। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करेंगे हम, और डिलीवरी के बाद अगेन 180 दिनों के लिए हम ये एलिमेंटल आयरन एंड फॉलिक एसिड कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। और ये भी अगर हम बात करें तो कौन से कलर में आती है, रेड कलर में आती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इनकी कलर कोडिंग के ऊपर, ये कितनी कितनी आयरन फॉलिक एसिड बच्चों को जाती है, कितनी स्कूल चिल्ड्रंस को, कितने एडल्ट्स को, एंड कितनी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन्स को जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। Thank you, and for more such videos, you can like and subscribe our channel.